ये खट्टर साहब का पैतृक मकान है। पिछले कुछ दिनों पहले मनोहरलाल खट्टर ने अपना ये जो मकान है ये डोनेट कर दिया था, और ये कहा था यहाँ पर लाइब्रेरी चलेगी और समाज सेवा के लिए मैं अपनी पैतृक जो मकान है वो समर्पित करता हूँ। खट्टू साहब तो यही कहते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से लगेंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची। इनका माहौल तो 60-40 पे ही है, 60 किसकी? 60 बीजेपी की तरफ, 60 बीजेपी की तरफ। और बाकी हाँ चंडीगढ़ का भी मिलने स्पेशल गए हो, नहीं नहीं गाड़ी भेजियो नहीं दर्शन लाल आ जाओ और चंडीगढ़ घुमाते नहीं हैं। ऐसी कोई बात अच्छा ऐसा कुछ नहीं, नहीं हेलीकॉप्टर में घुमाया हो कभी? नहीं जी नहीं। राम राम जी सब ने, मैं अभी बताओ कहाँ बैठा हूँ। मैं अभी हूँ रोहतक के कलानौर खंड के बनियानी गांव में। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव है, और ये साइड में उनका मकान है, और ये उनके चचेरे भाई है दर्शन लाल जी। अब इनके सादे बाणे से आपने शायद कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और उस व्यक्ति का चचेरा भाई इतना सादा सिंपल, बात करने में भी उतने सादे हैं। तो दर्शन लाल जी सबसे पहले तो चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा ये बताइए कि खट्टर साहब पिछले दिनों आए थे और ये जो अपना मकान है उनका और ये पिछला हिस्सा भी उन्होंने लाइब्रेरी के लिए डोनेट कर दिया था, तो अभी क्या प्रोग्रेस है उसमें? प्रोग्रेस ऐसे है, इसमें काम शुरू हो जाएगा 2-2.5 महीने के अंदर अंदर। अच्छा जैसे हमारे को जितना पता है परिवार की तरफ से, हाँ, 2-2.5 महीने के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा तो दर्शन लाल जी आप क्या करते हो? आपके चचेरे भाई मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5 साल, आप क्या करते हो? आप तो मौज में हो गए। आप बैठे हो ठिकाने पे, ये देख रहे हो मैं जो काम करता हूँ। मैं तो ये 10 बाय 10 की ये दुकान देख रहा हूँ, हाँ इसके जी अंदर आप परचून की दुकान है, इसमें सिंपल सा आप, और पिछले आधे घंटे से आपके साथ हूँ, हाँ जी। मुझे तो कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है। जो है हमारा काम तो यही है, हमने कभी दिलचस्पी नहीं ली उस काम में राजनीति के तौर पे। उनका काम है जो वो राजनीति का उन्होंने किया है और वो कर भी रहे हैं। जी हाँ जी। तो लेकिन परिवार को कुछ तो फायदा मिला होगा किसी तरह का भी? परिवार हमारा सारा अपने आप जो काम है जिनके, वो अपने कामों पे निर्भर है। अच्छा आप क्या क्या करते हो? आपकी दुकान है इसके अलावा? इससे पहले हमारे पास खेती बाड़ी थी, वो खेती बाड़ी छोड़ दी है, अब ये दुकान भी है। अच्छा खट्टर साहब से कब कब मुलाकात होती है? चचेरे भाई से आपके ताया जी के लड़के से? जब गांव में आते हैं तभी होती है। कब स्पेशल? चंडीगढ़ दिल्ली? नहीं कोई बात नहीं, परिवार से कोई वो नहीं? कोई। अच्छा आप लोगों को कब पता लगा कि मनोहर लाल आपके परिवार में, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने छोड़ दिया था, हाँ जी हाँ जी, कब पता लगा? देखो मैं तो अपनी बता सकता हूँ, हम तो जब 8वीं क्लास में थे 1990 से 1988 के बीच में, तब हमारे को पता लगा था कि कोई बड़े भाई मनोहर लाल जी भी है। तब ये आते थे तो छोटे छोटे हुआ करते, सब सारे कहते थे मन्नू पापा आ गया, मन्नू पापा आ गया। मन्नू तो पापा? हाँ जी मन्नू नाम। अच्छा मन्नू को प्यार से जैसे घर हाँ में? जी हाँ जी। तो सारे इकट्ठे हो जाते थे, बीच में बैठ जाते थे। तो ये कहाँ चले गए थे? ये तो कोई संगठन ही बता रहे, संगठन में चले गए। आरएसएस संगठन में चले गए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा वहीं पे वो कभी कभी आते थे? हाँ जी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद? मुख्यमंत्री बनने के बाद तो ये गांव में जो 5-6 बार आए हैं अपने गांव का सुनवाई की उन्होंने कामों के लिए, और काम किए भी है वो तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि गांव में मनोहर लाल जी जब भी आए हैं काम, जैसे आप बता रहे हो कि लोगों की डिमांड होती है, लेकिन साथ साथ ना एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, भई हमारे गांव का मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री और छोरे बिलवाने हैं, बाढ़ बिलवाने, इस तरह की फरमाइश लेकर लोग जाते हैं, तो उस मामले में खट्टर साहब क्या रुख रहता है? खट्टू साहब तो यही कहते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से लगेंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं ना, बिल्कुल नहीं, कि मेरिट से आओ मेरिट से लगो, मेरिट से लगो, ना किसी को कहना ना किसी की सुनना। परिवार में तो कुछ मदद की होगी उन्होंने? परिवार के ऊपर हाथ है उनका, सर पे सबके। नहीं वो तो बड़े हैं, आशीर्वाद तो रहेगा ही। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कुछ नौकरी के मामले में किसी और मामले में? नहीं कोई परिवार की दिलचस्पी भी नहीं रही इसमें, हर किसी हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अच्छा आपके गांव में चुनाव का माहौल क्या है, ग्राउंड पे क्या है, लोग कांग्रेस और बीजेपी की तरफ?
क्योंकि बीजेपी के अरविंद शर्मा है, उधर दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ जी, हाँ जी। गाँव में माहौल क्या है? 50-50 है, 60-40 है, क्या माहौल है आज का? माहौल तो 60-40 पे ही। 60 किसकी? 60 बीजेपी की तरफ। 60 बीजेपी की तरफ, और बाकी दूसरी तरफ है। टक्कर भी हो सकती है दोनों में, गाँव की तरफ से कह रहा हूँ, बाहर हम निकले नहीं कभी। अच्छा दर्शनलाल जी, एक मनोहर लाल जी जो है 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, जब वो हटे तो एक पंजाबी समाज में थोड़ी सी नाराजगी या गांव में एक नाराजगी तो रही होगी कि हमारा मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, गांव के लिए वही मनोहर लाल जी हैं और वही मनोहर लाल जी रहेंगे। अच्छा, गाँव के लिए मनोहर लाल है मुख्यमंत्री बाद में? हाँ जी, वही है। गाँव में कोई नाराजगी नहीं है, वो उनकी पार्टी का काम है, जैसे वो करेंगे। अच्छा, ये गांव में अपने पंजाबी समाज के कितने घर होंगे? वैसे तो ये पहले गांव तो पंजाबियों का ही था, इन 12 गांवों में आता है फिलहाल, अब तो मेरे ख्याल में 10-15 घर के बीच में। सिर्फ 10-15 घर बचे हैं, सभी बाहर चले गए हैं? बाहर चले गए, उनकी ज़मीनें हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी यहीं पर है। तो अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा हैं गाँव में? हाँ जी, सबसे ज़्यादा वही हैं। वही है। और कौन सा समाज है गाँव में? और अपना राजपूत है। राजपूत भी काफ़ी घर हैं। हाँ जी। अच्छा, एक आरओ की बात भी मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और उसके अलावा 24 घंटे बिजली की बात भी, जगमग योजना, वो कितनी सच्चाई है गांव में? बिजली तो 24 घंटे है। अच्छा, कहीं से पूछ लो ये तो। बाकी रहेगी आरओ की बात, आरओ की बात अब भी हुई थी, वो पूरा नहीं हो पाया, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो शायद वो शुरू में मुख्यमंत्री बने जब आए थे, और 9.5 साल का टाइम हो गया, वो बात कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। वो कहीं ना कहीं है अधूरी, इस बात को उस बात का भी पता नहीं। अच्छा, गांव के जोड़ वगैरह का भी, कुछ लोग हम जैसे गांव में गए घूमे तो कहते हैं कि जोड़ में भी जो सौंदर्यकरण होना चाहिए थोड़ा सा, वो भी कहीं ना कहीं लोग कमी महसूस करते हैं। देखो, लगाया तो था पैसा, तो इन्होंने लगाया, काम भी किया था, तो संभाल तो फिर करनी पड़ती है उस चीज़ की। इस पर भी लगा रखा है पैसा, उस पर भी दिखाई दे रहा है। आप कभी मनोहर लाल जी से दिल्ली या चंडीगढ़ कभी मिलने स्पेशल गए हो? गाड़ी भेजी हो? नहीं, दर्शनलाल आ जाओ और चंडीगढ़ घुमाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर में घुमाया हो कभी? नहीं जी, नहीं। अच्छा, बिल्कुल ही सादे रह गए? बिल्कुल, जहाँ बैठे हैं यही हैं अब। अच्छा, ये 10x10 की दुकान है परचून की? हाँ जी। चलो जी, ये थे दर्शनलाल जी, मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, और हटने के बाद भी जो बीजेपी का हरियाणा कैंपेन है अकेले ही वो चला रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, 10 में से 10 लोकसभा सीट का दावा कर रहे हैं। बाकी उनके चचे के भाई से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी आप बीती अपने आप अपने मुंह से बताई। नमस्कार।